हेलो यूट्यूबर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त और आज फिर से एक नई वीडियो के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो इस वीडियो का आपने थंबनेल देख ही लिया होगा जिसके ऊपर आज हम आपसे बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूं, ये है जॉनसन, ये जर्मन शेफर्ड डबल कोट है जॉनसन, ठीक है। और आज ये हो गया है 100 डेज का, तो इसी बात पे इसको एक ट्रीड बनती है, ठीक है। तो आपने थंबनेल देख ही लिया होगा, इसके ऊपर आज हम आपसे डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल काफ़ी देखने को आ रहा है। सबसे पहले तो आपको बताऊंगा ये चीज़ है क्या। दूसरी जो इसमें स्टेप आती है वो ये आती है कि ये जो चीज़ है किस वजह से हो रही है, और तीसरी चीज़ हमें इसको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि ये जो चीज़ है, समझे इसको क्या है। ये चीज़ जो डॉग के आपके फर वाले जो हैंड्स हैं वो ज़्यादा टिल्ट हो जाते हैं, ठीक है, इस ऐसे डायरेक्शन में, तो उसको मानते हैं कि हाँ उसके जो बेंडी का जो है वो इशू है। अब इसमें सबसे पहले बात आती है हेरेडिटरी। जी हाँ, पहले आप अगर कोई भी पेट आपका ले रहे हैं तो उसमें आप चेक कर दीजिए कि भाई उसके पेरेंट्स जो हैं उनके जो लेग्स वगैरह हैं वो ठीक हैं। अगर ठीक हैं तो तभी आप जाइए, अदरवाइज नहीं, ठीक है। दूसरा इसमें केस आता है कि भाई अगर बोन्स जो हैं अगर उसके वीक हो गए हैं तो वो भी देखने को आता है। और तीसरा जो है लिगामेंट्स जो कनेक्ट करते हैं आपके बोन्स को और मसल्स को, वो वीक हो गए हैं जॉनसन नौ, तो उस केस में भी ये जो चीज़ है वो देखने को आती है। अच्छा, अब इसमें ये जो चीज़ मैंने आपको बता दी किस वजह से है, अब दूसरी चीज़ में हम बात करेंगे कि हम इस चीज़ को थोड़ा सा और डिटेल में हम समझें कि यानी कि ये जो चीज़ है ये कैसे होती है। देखिए, आप कभी भी रूरल जो डॉग्स हैं आपके जॉनसन सेट, ठीक है, जो रूरल डॉग्स हैं आपके और जो अर्बन डॉग्स हैं उनको कभी आप कंपेयर करेंगे, 20 रूरल उठाइए 20 आप अर्बन उठाइए, तो अर्बन में ये चीज़ ज़्यादा देखने को आती है एज कम्पेयर टू आपके रूरल। इसके पीछे मेन सिंपल है कारण, वो है आपका जो फर्श है यानी कि जो मार्बल है, उस वजह से जितना स्मूथ सरफेस होगा उतनी ये चीज़ ज़्यादा देखने को आएगी। कभी भी स्ट्रीट डॉग्स आप देख लीजिए, उनके कभी भी आपने बैंड देखे हैं कभी भी? नहीं ना, क्यों नहीं है, क्योंकि वो रफ सरफेस पर रहते हैं। और एज कम्पेयर टू आपके शहर वाले जॉनसन, सही है, एज कम्पेयर टू आपके शहर वाले जो आपके डॉग्स हैं उनमें चीज़ ज़्यादा देखने को आती है। क्यों? क्योंकि जो उनका जो नीचे का जो एरिया रहता है घर का, वो काफ़ी स्लिपरी रहता है, ठीक है। इनकी आप क्या बात करते हैं, आप खुद कभी बार फर्श पे मार्बल पे गिर जाते हैं तो फिर ये तो एनिमल है, समझ रहे हैं ना, आपका पेट है। तो इसलिए जो है ये चीज़ आपके अर्बन एरियाज में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू आपके रूरल एरिया। और ये कोई कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है फर्श वगैरह की वजह से, नहीं ये बात बिल्कुल गलत है। आपका जो फर्श है वो मार्बल का है या किसी का भी है, कहने का मतलब है स्लिपरी है, तो पक्का ये जो उनके बेंडिंग के जो इशू है वो बिल्कुल देखने को आएंगे। अच्छा, उससे पहले मैं एक बात और आपको बताऊँ, अब ये जॉनसन है आप देख सकते हैं इसके जो ये आगे वाले जो हाथ हैं बिल्कुल सही हैं, देखने को बिल्कुल सही है। और जब ये थोड़ा सा जब बैठता है तो इसके थोड़े से टिल्ट हो जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके जो हाथ हैं वो बेंड हो रहे हैं या फिर कोई और इशू, नहीं, वो नॉर्मल है, ठीक है। कभी भी आपको कोई डाउट लगता है कि हाँ बेंड है तो उसको खड़ा करके देखिए, अगर वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो उसको बेंडिंग हम नहीं मानते, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है किस वजह से है, और अब हम बात कर लेते हैं इसको कैसे रोक सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप सिंपल है, आपके घर के आसपास कोई भी ऐसी जगह हो जो कि स्मूथ ना हो, ठीक है, थोड़ी सी रफ हो, वहाँ पे उसको कम से कम भी आधा घंटा 15-20 मिनट उसको वहाँ पे टहलाइए। आपके घर पे कोई भी रफ एरिया हो वहाँ पे उसको टहलाइए, ठीक है। और आपके घर पे बच्चे हैं थोड़ा कोशिश करिए कि जो स्लिपरी वाला जो एरिया है उसके साथ वो वहाँ पे ना खेलें, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा स्लिपरी एरिया होगा उसके जो पैरों की पकड़ उतनी कम रहेगी और उतना ज़्यादा चांसेस है उसके जो लेग्स हैं वो बेंड होने का, ठीक है। अगर घर के आगे एरिया है, वेलन गुड है, छत पे ले जाइए, आपके टेरेस पे ले जाइए, वहाँ ले जाइए, जहाँ पे भी आपको ठीक लगता है, जहाँ पे भी थोड़ा सा रफ एरिया है वहाँ पे उसको ले जाइए, ठीक है, तो ये जो दिक्कत है ये नहीं होगी। और साथ में आप उसको कुछ कैल्शियम है, कैल्शियम भी उसको देना स्टार्ट करिए, ठीक है। जितना ज़्यादा आप ये है कैल्शियम, जितना ज़्यादा आप उसका ख्याल रखेंगे, थोड़ा सा थोड़ी छोटी है एज में तो उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये है कैल्शियम वगैरह, और साथ में आपको क्या करना है उसको थोड़ा सा रफ सरफेस पे रखना है। अगर स्मूथ सरफेस है ठीक है, हर घर में स्मूथ सरफेस होता है, पर थोड़ा सा रफ सरफेस पे भी उसको ले जाना स्टार्ट करिए और ये जो दिक्कत है उसको बिल्कुल नहीं होगी। तो आई होप ये समझ गए होंगे, ये जो ब्लैक का जो बेंडिंग इशू है ये काफ़ी देखने को आ रहा है।
ठीक है, ये किस वजह से होता है और क्या कैसे कारण है और हम इसे कैसे बच सकें, मैंने तीनों चीज़ आपको बता दी हैं, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ठीक है, अब बने रहिए। और जॉनसन फिर से जॉनसन, ठीक है, तो थैंक यू।